खबर उधम सिंह नगर के जसपुर क्षेत्र से है, जहां आज संयुक्त किसान मोर्चे ने अपनी मांगों को लेकर उप जिलाधिकारी जसपुर को महामहिम राष्ट्रपति के नाम पर ज्ञापन सौंपा है, जिसमें किसान नेता अमनप्रीत ने कहा कि किसान मोर्चे की आह्वान पर ज्ञापन सौंपा गया है। पूरे देश भर में किसान अपनी मांगों को लेकर जगह जगह ज्ञापन दे रहे हैं। जसपुर से प्रदीप श्रीवास्तव की रिपोर्ट। जो धरना खत्म हुआ था और जो 3 करोड़ काले करोड़ 13 महीने 14 महीने जो दिल्ली के चारों तरफ जो किसानों ने धरना दिया था, तो वो वापस करे थे प्रधानमंत्री जी ने, और लिखित में दिया था 5 मुद्दे और थे। MSP का गारंटी कानून, जो सभी जिनसों पर गारंटी कानून बनाने का, फुराल पे जो इन्होंने कानून बनाया था जलाने पर उसे खत्म करने का, और केस वापिस जो मुकदमे लगे थे किसानों पर उसे वापिस करने का, ऐसे 5 मांगे इन्होंने सरकार ने केंद्र सरकार ने लिख के दे रखी थी। तो अभी तक 1 साल से ऊपर हो गया, अभी तक जनी इन्होंने जनी वो वापस, तो इसलिए आज पूरे देश के अंदर महामहिम राष्ट्रपति को आज ज्ञापन दिए जा रहे हैं, उप जिला अधिकारी के माध्यम से, तहसीलदार के माध्यम से और जिला अधिकारी के माध्यम से पूरे देश के अंदर से आज ज्ञापन जा रहे हैं। इसी कड़ी में हमारे जसपुर क्षेत्र में भी हमारे किसानों ने, भारतीय किसान यूनियन ने यहाँ पर ये ज्ञापन देने का काम करा है। किसान मोर्चा की कॉल को दिया गया है, पूरे देश भर में किसान आज अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन दे रहे हैं। इसमें हमारी मांगे वही पुरानी मांगे हैं जो सरकार ने हमारे साथ वादा खिलाफी की है। आंदोलन के वक्त जो हमारा आंदोलन गाजीपुर बॉर्डर और सिंधु बॉर्डर और अलग अलग बॉर्डरों पर चल रहा था, जो सरकार ने हमसे वादे करके और हमसे वो आंदोलन स्थगित करवाया था, सरकार ने अभी तक एक भी वादा पूरा नहीं किया, जिसे लेकर आज संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर पूरे देश भर के किसान अपना रोष प्रकट कर रहे हैं और सरकार को जगाने।